आज हम बनाएंगे मानसून स्पेशल घर पे रखे हुए सामान से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड गर्मा गर्म नाश्ता जो बच्चों बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को देख लेते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए रख लेना है आपको घर पर रखा हुआ फ्रेश पालक। पालक को अच्छी तरह से हम धो लेंगे ताकि इसमें कुछ भी धूल मिट्टी ना लगी रहे। इसके बाद आपको इस तरह से इन्हें एक के ऊपर एक रख लेना है और इसके बाद हम जो डंठल होते हैं उनका भी यूज़ करेंगे, लेकिन जो लास्ट के थोड़े से होते हैं उन्हें कट करके फेंक देंगे। इसके बाद इन्हें इस तरह से हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में कटिंग चॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से। तो मैं जिस तरह से आपको कटिंग करना बता रही हूँ उस तरह से आप सब्जियों को ज़रूर कट कीजिएगा। इससे आपका नाश्ता बहुत ही अच्छा दिखेगा भी और टेस्टी भी बनेगा। साथ ही पालक कट करने के बाद आपको दो प्याज लेना है। प्याज के हम छिलके निकाल के फेंक देते हैं और इसके बाद इन्हें भी इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेंगे। इसके बाद प्याज की सारी लेयर्स को इस तरह से अलग अलग निकाल लेंगे। सेकेंड प्याज को भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके बाद आपको लेना है एक बड़ा सा बाउल, उसमें डालेंगे हम इस तरह से लंबा कट किया हुआ पालक और प्याज। साथ ही अब हम यहाँ पर डालेंगे आलू जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आलू को भी इस तरह से हम स्लाइसेस में पहले कट करेंगे छिल के। इसके बाद इस तरह से आप इन्हें लंबा लंबा कट कर ले चार स्लाइसेस करने के बाद। यदि आपको और बड़े पार्ट्स दिखे तो इसमें से इस तरह से कट लगा सकते हैं, या फिर आपने जो लेयर लिया है आलू का उसमें से एक स्लाइस और कर ले आप इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, घुमाते जाना है आपको स्लाइस को और इस तरह से इसे कट कर लेना है। इसके बाद आप इस तरह से लंबा लंबा कट लगा लेंगे तो बहुत ही पतले पतले लच्छे आलू के बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप इन्हें ऐसे भी फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये आलू के लच्छे भी हम डाल देंगे प्याज के साथ। इसके साथ ही अब धनिया को भी कट कर लेंगे। धनिया को भी आपको डंठल सहित कट करना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही तीन से चार हरी मिर्च लिया है जिन्हें बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, क्योंकि टुकड़े जब मुँह में आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस नाश्ते का। इन्हें भी डाल देंगे हम आलू प्याज के साथ। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से सब्जियों को पहले मिक्स कर लेंगे। आज का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो चटपटा गर्मा गर्म तो घर पे बनता ही रहता है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने जितनी भी सब्जियाँ यूज़ की है ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, मात्रा में इनमें पानी होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे ताकि हमारा बेसन ज़्यादा डले। क्योंकि ज़्यादा बेसन यदि हम डाल देंगे तो बेसन का ही टेस्ट आएगा और सब्जियों का नहीं आएगा। तो आपको बेसन थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लिया है मैंने ताकि यह बेसन अच्छी तरह से कोट हो जाए सब्जियों के साथ। तो थोड़ा सा बेसन अभी और बच गया था बाउल में, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है इसमें और इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हाथों की सहायता से कीजिएगा, चम्मच से यदि आप करेंगे तो बिल्कुल भी बाइंड नहीं आएगा, अच्छे से मिक्स नहीं होंगे बेसन के साथ ही सब्जियाँ। अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैं बंच उठा रही हूँ तो अच्छे से ये इकट्ठा हो रहा है सारा मिश्रण। तो बस इतना ही बेसन आपको इसमें डालना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम। अब जितना भी तीखा खाते हो या फिर बच्चों के लिए बना रहे हो तो इस हिसाब से बैटर अलग निकाल लें और बाकी में मसाले मिला लें। हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही एक चम्मच के बराबर धनिया पाउडर डाला है। जीरा डालेंगे हम आधा चम्मच के बराबर। थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे जिसे इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे स्वाद भी अच्छा आएगा और डाइजेशन भी अच्छा रहता है। साथ ही एक चम्मच के बराबर सौंफ डाला है। सौंफ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालेगा। साथ ही नमक डाला है और हींग डाला है। नमक बिल्कुल कम डाला है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पालक का यूज़ किया है पालक भी नमकीन होता है, इसलिए नमक कम ही डाला है। यदि लगे तो बाद में और आप ऐड कर सकते हैं, बट पहले कम ही डालेगा। इन्हें भी हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस मिश्रण को आप चाहे तो इंस्टेंट भी पकोड़े फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था क्योंकि मैं यहाँ पे चटनी तैयार कर रही थी, हरी चटनी जो मैंने कॉर्नर के पकोड़े शेयर किए थे उसके साथ रेसिपी शेयर की है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम तेल गर्म करते हैं 5 मिनट के बाद। अब देख सकते हैं कि 5 मिनट बस मैंने इसे रखा था और इसमें पानी छोड़ दिया था सब्जियों में, तो इसीलिए हमने पहले पानी कम ऐड किया था। यदि आप ज़्यादा डाल देंगे तो अभी बहुत ही ज़्यादा पतला बैटर आपका बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और बेसन डालना रहता और फिर सब बेसन ही बेसन का स्वाद आता। तेल गर्म होने के बाद इस तरह से मैंने पकौड़े डाल दिए थे, बड़े साइज़ के डालना रहेगा ताकि जो हमने सब्जियाँ डाली है वो प्रॉपर शेप में आए।
इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू प्याज पालक के मिक्स पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इष्ट भी इसका नॉर्मल पकौड़े से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है, अच्छा लगता है, और टिकिया का टेस्ट भी आएगा और पकौड़े का टेस्ट भी आता है इसमें। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, घर पे पकौड़े तो बनते ही रहते हैं, तो बच्चों के लिए एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरह से सारा वेज हम पूरे पकौड़े इस तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा शेप आया है, कितने अच्छे दिख रहे हैं, और बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पकौड़े हैं, साइज़ में भी थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको हमारी आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।